चलिए आज बनाते हैं सूजी का हलवा। तो इसके लिए हम लेंगे आधा कप सूजी बॉल में डाल देंगे और आधा कप हम लेंगे दूध। ये आधा कप दूध और आधा कप सूजी है, दोनों को मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारी सूजी फूल जाए, फूल के एकदम नरम हो जाए। और हमने लिया है आधा कप घी और आधा कप शक्कर, सब चीज हमने बराबर मात्रा में ही लिया है। और उसके बाद हमने 10-11 बादाम है ये, और 10-11 काजू भी है, और 15 से 16 हमारा पिस्ता है। तो हम इन सबको काट लेंगे। तो बादाम को हम दो दो टुकड़ों में काटेंगे, दो दो हिस्सा कर लेंगे बादाम का। काजू तो हमने पहले ही काट लिया था, मतलब दो दो टुकड़ा उसको भी कर लिया था, और पिस्ता को भी हम तीन तीन चार चार टुकड़ा कर लेंगे काट के। अब चलिए चलते हैं गैस के पास, पैन रखेंगे गैस पे, और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी डाल देंगे, और ये आधा कप शक्कर। सूजी का 3 गुना ज्यादा हमें पानी डालना है, हमने आधा कप सूजी लिया है तो 1.5 कप पानी लिया है हमने, तो डाल दिया है हमने। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा केसर डाल देंगे, केसर से कलर बहुत अच्छा आता है, आप खुद तो जरूर डाल देंगे। और इसको सिर्फ शक्कर घुलने तक ही हमें पकाना है। बस शक्कर घुल गया है, और अब हम इसको उतार के साइड करेंगे और कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे पहले 1-2 चम्मच घी। हम पहले ड्राई फ्रूट को भून लेंगे, तो 1-2 चम्मच घी डाल देंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें सबसे पहले डालेंगे बादाम। बादाम थोड़ा सा भूनने में समय लगता है, तो सबसे पहले हम बादाम को भूनेंगे, वो लगातार चलाते हुए भून लेंगे 20-30 सेकेंड के लिए। और ये भून चुका है, काजू भी डाल देते हैं, काजू को भी थोड़ा सा चलाते हुए भून लेंगे। काजू तो बहुत जल्दी भून जाता है। और फ्लेम को हमने लो ही रखा है, लो फ्लेम पे ही भून रहे हैं। तो चलिए अब हम ये पिस्ता और किशमिश दोनों साथ में ही डाल देंगे, ये जल्दी भून जाता है। तो फिर लगातार हम चलाते हुए भून लेंगे इसको करीब 30-40 सेकंड के लिए। देखिए ये भून चुका है, और ये जो किशमिश होती है ना वो फूल गई है, तो निकाल लेंगे हम, सारा निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया, और अब हम फिर से घी डालेंगे इसमें, और 1 चम्मच के करीब हम बचा लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, और मेल्ट होने के बाद ये सूजी और जो हमने दूध में भिगो के रखा था ना वो डाल देंगे, और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। नॉर्मली हलवा तो घी में भून के और उसमें शक्कर और पानी डाल के बनाया जाता है, इस तरह से आप हलवा बनाएंगे ना तो एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम बनता है, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। ये देखिए हमारा भूनते हुए 9 मिनट हो चुका है लो फ्लेम पे, और घी भी सोख लिया है। और फिर इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, और एकदम घी छोड़ने तक, हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो देखिए ये हमारे 4 मिनट हो गए, और घी एकदम से छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं, और इसमें झाग जैसा हो रहा है और कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें हम जो हमने शक्कर घुलाया था ना पानी में वो डाल देंगे, और इसको लगातार ऐसे चलाते हुए इसको पकाएंगे। तो फिर हमें इसका पानी सुखाना है, और थोड़ा सा हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे, और फिर लगातार इसको चलाते हुए सुखा लेंगे पानी को। और ये 5 मिनट हमारे पकते हुए हो गए हलवा, और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, और थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी का सारा डाल देंगे। और ये ड्राई फ्रूट डालकर 1-1.5 मिनट के लिए हम चला लेंगे। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया मस्त मजेदार हलवा बनके तैयार है, देख रहे हैं ना, देखिए मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए अब हम गैस को बंद करेंगे और सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए ये हमारा सूजी का हलवा बनके तैयार है, एकदम नरम मुलायम, देख रहे हैं ना इसका कलर, कलर को देखते ही मन को भा जाता है, बहुत अच्छा बनता है। चाहे घर में कोई त्योहार हो, पूजा पाठ हो, या फिर अचानक से मेहमान आ जाते हैं, सूजी का हलवा हर मौके पर खुशी और मिठास लाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।